So hello and welcome to the presentation on Design of Machine Element subject. Here we are going to study the rolling contact bearings. What is exactly mean by rolling contact bearings and how we can design these or how we can select it from the manufacturer's catalog. So first we will see overlook over the content of this particular unit, that is design of rolling contact bearings. So initially you will find here the contents like this. Types of rolling contact bearings, static and dynamic load carrying capacities. So पहले हम देखेंगे कि rolling contact bearings के different types कैसे कैसे होते हैं और static capacity क्या है, dynamic capacity क्या है, ये सब. At the same time जो static capacity के लिए step back equation होता है वो क्या है, then हम equivalent bearing load bearing के ऊपर कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद load और life of bearing उसमें relationship क्या है, then bearing हम select कैसे कर सकते हैं manufacturer catalog से. अगर साइक्लिक लोडिंग अगर आपके कंपोनेंट के ऊपर आ रहा है, यानी आपके बेयरिंग के ऊपर अगर साइक्लिक लोड्स है, तो फिर उसको बेयरिंग बेयरिंग को कैसे डिज़ाइन करें. ओके, एंड आल्सो इफ द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी ऑफ द बेयरिंग इज डिफरेंट दैन द 90% बेयरिंग, बिकॉज आपके जो बेयरिंग्स होते हैं वो 90% रिलायबिलिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और उसके अलग अगर आपको डिज़ाइन बेयरिंग करना है तो कैसे करते हैं. सारे हो गए इसके कंटेंट कि हमें देखना है कि स्टार्ट करते हैं बेयरिंग से. सो इनिशियली इन शॉर्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बेयरिंग. सो आपको पता है कि बेयरिंग जो कंपोनेंट है वो सारे मशीन्स में होता है जो कि रोटेटिंग शाफ्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड यू विल फाइंड हियर कि अ बेयरिंग परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू मशीन मेम्बर्स वाइल मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. सो वो जो मशीन मेम्बर्स होते हैं, एक स्टेशनरी मेम्बर होता है आपका जो हाउसिंग होती है जहाँ पे आपकी बेयरिंग फिट होती है, और एक रोटेटिंग मेम्बर होता है जो शाफ्ट होता है, उन दोनों में रिलेटिव मोशन वो प्रोवाइड करता है विदाउट हैविंग मोर फ्रिक्शन. इट मीन्स इट इज़ एक्चुअली हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन आउट देयर. सो बेयरिंग कंसिस्ट ऑफ एन इनर एंड आउटर मेम्बर सेपरेटेड आइदर बाय अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट और रोलिंग एलिमेंट. जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग में एक्चुअली लुब्रिकेंट होगा और रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट होगा बिटवीन द स्टेशनरी कंपोनेंट एंड रोटेटिंग कंपोनेंट. सो स्टेशनरी कंपोनेंट समटाइम्स इट मे बी आउटर मेंबर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आउटर मेंबर इज द स्टेशनरी कंपोनेंट एंड इनर मेंबर इज द रोटेटिंग कंपोनेंट. सो द बेयरिंग एक्चुअली टेक्स ऑल द लोड्स. सो इट विल बियर ऑल द लोड्स विच आर एक्टिंग ऑन द शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर कुछ गियर्स माउंटेड हो सकते हैं या फिर पुलीज हो सकती है, तो वो पुली गियर जो भी कंपोनेंट शाफ्ट के ऊपर होंगे, मे बी योर मिलिंग कटर और एनी अदर कम मशीन इफ इट इज़ देयर, तो किसी भी मशीन के जो भी लोड्स एक्चुअली एक्ट होते हैं शाफ्ट के ऊपर, वो सारे लोड्स फाइनली जाते हैं बेयरिंग के ऊपर, तो बेयरिंग को वो सारे लोड्स कैरी करना होता है. सो इट लोकेट्स द मूविंग पार्ट्स इन करेक्ट पोजिशन. तो करेक्ट पोजिशन में अगर आपको उसको लोकेट करना है तो बेयरिंग इज़ हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग दोज कंपोनेंट्स इन अ एग्जैक्ट पोजिशन. एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स फ्री मोशन टू द मूविंग पार्ट बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कम करके फ्री मोशन आपको रोटेटिंग पार्ट को से मिलता है. तो हम देखेंगे कि बेयरिंग का कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कैसे होता है, जैसे रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग अगर है तो रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये है इनर रेस ऑफ द बेयरिंग. ओके, देन देयर इज आउटर रेस. सो बेसिकली टू कंपोनेंट, दिस इज आउटर रेस एंड दिस इनर रेस. द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज नथिंग बट दिस इज अ रोलिंग कंपोनेंट. ओके, और ऑल्सो ऑल एज रोलिंग एलिमेंट. सो अगर बॉल बेयरिंग है तो ये यहाँ पे बॉल होगा, या फिर अगर यहाँ पे बॉल है रोलिंग एलिमेंट हम उसे बॉल बेयरिंग कहेंगे, अगर यहाँ पे रोलर है तो हम उसे रोलिंग बेयरिंग कहेंगे या फिर. और उसके बाद का कंपोनेंट है सेपरेटर. ओके, सो सेपरेटर यानी जो ये बॉल्स या फिर रोलर्स जो भी होंगे उनको इक्वली स्पेस्ड अगर उसको लोकेट करना है तो आपको सेपरेटर का यूज़ करना होता है. जनरली वो होती है केज, वी ऑल्सो कॉल इट एज केज. ओके, सेज केज और सेपरेटर. देन यू कैन से दिस आर नथिंग बट द शोल्डर्स, दिस इज एक्चुअली द बोर डायमीटर यानी इनर डायमीटर ऑफ दिस इनर रेस, दैट इज कॉल्ड एज अ बोर डायमीटर, जिसके ऊपर एक्चुअली आपका शाफ्ट माउंटेड होता है. ओके, सो ये आउटर रिंग बॉल रेस है यहाँ पर, यानी बॉल के लिए एक ग्रू होता है यहाँ पर जिसमें वो बॉल उस ग्रू में जाता है या फिर रेस्ट होता है प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज आउटर रिंग बॉल रेस. और यहाँ पर है जो रेस, ये इनर रेस का ये जो ग्रू है इट इज़ कॉल्ड एज इनर रिंग बॉल रेस. ओके, सो वाई कॉल दिस सरफेस एज अ फेस, इस सरफेस को बोलते हैं फेस. और ये आउटसाइड डायमीटर है, तो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या होते हैं, तो इनर डायमीटर यानी बोर डायमीटर जिसके जो शाफ्ट इसके ऊपर इनसे इसके ऊपर बैठता है,
और आउटर रेस, इसका आउटर डायमीटर, वो एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जो कि हाउसिंग में बैठता है आपके मशीन के, ओके। और तीसरा इम्पोर्टेंट डायमेंशन है विड्थ, यानी तीन इम्पोर्टेंट डायमेंशन है बेयरिंग में, बोर, आउटर डायमीटर एंड द विड्थ, ओके। दैट इज वॉट इज स्पेसिफाइड हियर, दिस थ्री इम्पोर्टेंट डायमीटर्स। अभी हम देखते हैं कि जनरली ये बेयरिंग्स क्लासीफाई कैसी होती है। सो क्लासीफिकेशन ऑफ द बेयरिंग्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किस तरह का है उसके ऊपर एक्चुअली क्लासीफाई करते हैं। तो एक है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और दूसरा है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में देयर आर टू टाइप्स, एक है जनरल बेयरिंग कहते हैं या फिर उसे कहते हैं प्लेन बेयरिंग, और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग या रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में जनरली अगर हमारा रोलिंग एलिमेंट बॉल है तो इसे कहते हैं बॉल बेयरिंग, और अगर रोलर है तो कहते हैं रोलर बेयरिंग। अभी हम देखते हैं कि इस बॉल बेयरिंग में या फिर पर्टिकुलरली रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में लोड कैसे ट्रांसफर होता है। सो आप देखेंगे कि जनरली द लोड इज ट्रांसफर टू द एलिमेंट्स इन द रोलिंग एलिमेंट, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग रादर देन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जैसे थ्रू लुब्रिकेटिंग ऑयल दैट लोड इज ट्रांसफर। बट इन दिस केस जो भी लोड है आपका, जैसे तो पहले शाफ्ट से लोड जाएगा आपके इनर रिंग के ऊपर, इनर रिंग से लोड जाएगा आपके बॉल में, बॉल से जाएगा आउटर रेस में, आउटर रेस से जाएगा आपके हाउसिंग को या फिर मशीन के स्ट्रक्चर को, इस तरह से लोड ट्रांसमिशन होता है। सो देर आर सो मेनी एप्लीकेशन, ऐसा कुछ का लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं है, देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस बॉल बेयरिंग्स और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। मशीन टूलेस विंडल है, ऑटोमोबाइल एक्सल्स है, गियर बॉक्सेस है, स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर्स है, हॉइस्टिंग मैकेनिज्म है, सो मेनी मेनी एप्लीकेशन यू विल फाइंड फॉर दिस बेयरिंग्स। तो जनरली अभी बेयरिंग्स के ऊपर लोड कैसे एक्ट होगा वो हम देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे दिखाया है आपको कि एक स्पर गियर है, एक यहाँ पे एक हेलिकल गियर है, ये शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, ये शाफ्ट सपोर्टेड किए दो बेयरिंग्स ने, यहाँ पर एक बेयरिंग है और यहाँ पर एक बेयरिंग है, ओके। तो इन गियर्स की वजह से जो भी फोर्सेस आएंगे वो सारे फोर्सेस इन बेयरिंग्स के ऊपर एक्ट होने वाले हैं। अगर हेलिकल गियर है तो उसमें क्या होता है, एक रेडियल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, एक्सियल फोर्स होता है, तो एक्सियल फोर्स इन बेयरिंग्स के ऊपर आएगा, ओके। और यहाँ पर अगर कंसीडर करते हैं हम स्पर गियर, तो यहाँ पे रेडियल फोर्स और एक्सियल टेंजेंशियल फोर्स होगा, तो उससे सिर्फ रेडियल फोर्स आएगा। तो जैसे रेडियल फोर्स की रिएक्शन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर रेडियल फोर्स रिएक्शन कैसे करते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज द एक्सियल फोर्स रिएक्शन, ओके। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट लोड, दिस इज व्हाट इज रेडियल लोड। सो बेयरिंग डिज़ाइन में एक्चुअली इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है, तो बेयरिंग लाइफ, आपको बेयरिंग का कितना लाइफ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब भी हम कोई बेयरिंग सिलेक्ट करते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, तो हम वो बेयरिंग, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक फ़ैन का एग्जांपल लेते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं फ़ैन, तो फ़ैन की बेयरिंग हम इसे बार बार तो रिप्लेस नहीं करते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ ऑफ द बेयरिंग इन दिस मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन टूल्स। तो एक बार अगर हमने किसी बेयरिंग को इंसर्ट किया मशीन टूल्स में, तो वो लॉन्ग लाइफ तक चलना चाहिए, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लाइफ ऑफ द बेयरिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ओके, एंड रिलायबिलिटी। तो वो अगर हमने किसी बेयरिंग को यूज़ किया है आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या किसी मशीन में, किसी मोटर में या फिर किसी अप्लायंस में, तो वो रिलायबली चलना चाहिए। तो रिलायबिलिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइफ ऑफ द बेयरिंग इज़ इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम वो बेयरिंग आपका क्या स्पीड पे चल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। क्योंकि बेयरिंग लाइफ जनरली हम रिवॉल्यूशंस में एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका कितना स्पीड है, क्योंकि स्पीड मीन्स रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं, तो रिवॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, देयरफॉर स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट। एंड स्पेस लिमिटेशन, आपका स्पेस कितना अवेलेबल है आपको बेयरिंग माउंटिंग के लिए अकॉर्डिंगली, एंड एक्यूरेसी। सो ये चीज़ें हैं जो बेयरिंग के डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, ओके। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग टाइप की बेयरिंग कैसे होती है। सो टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में अगर हम पहले कंसिडर करते हैं बॉल बेयरिंग, तो उसमें होता है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, यानी जो ग्रूव होता है इसमें आउटर रेस में और इनर रेस में डीप ग्रूव होता है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। सो यू कैन नॉट सी दैट मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ इंसर्टिंग मोर नंबर ऑफ बॉल्स इन टू दिस डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, ओके, एंड देयरफॉर दैट लिमिट्स इट्स कैपेसिटी ऑफ लोड कैरिंग। तो उसका बेयरिंग, बॉल बेयरिंग का लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉल्स होता है, और ये ग्रूव डीप होने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ बॉल्स है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो उसकी कैपेसिटी डिसाइड करता है। उसके बाद अगर हम दूसरा टाइप जो है फिलिंग नॉच टाइप बॉल बेयरिंग, जिसमें आप अभी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एडिशनल नॉच प्रोवाइड किया हुआ है दोनों साइड में ऑफ दिस पर्टिकुलर बेयरिंग। जैसे ये ग्रू जो है, ये ग्रू यहाँ पे यहाँ तक है और इधर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है ग्रू, ये ग्रू यहाँ पे, ये नॉच है, यहाँ पे एक नॉच है। इस नॉच की वजह से जो स्पेस यहाँ से बढ़ रहा है, उस स्पेस की वजह से आप एडिशनल बॉल्स इंसर्ट कर सकते हैं उस बेयरिंग में, और जिसकी वजह से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज
filling notch type of ball bearing, or also called as maximum capacity bearing, same. Okay, then there is angular contact ball bearing. तो जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो था वो रेडियल था, यानी यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट था आपका,